उत्तर सरकार के अनुसार मैनपुरी ने के नुमाइश पंडाल के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 345 वैवाहिक जोड़ों को दंपति जीवन के बंधन में सूत्र में बांधा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो वही 324 जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाम्पत्य जीवन में जोड़ा गया। तो वही 21 मुस्लिम समाज के जोड़ों के निकाह कर उन्हें दाम्पत्य जीवन में जोड़ते हुए आबकारी मंत्री ने आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। तो वही बेटियों के खाते में 31,000 की धनराशि के साथ साथ 20,000 की कीमत का घरेलू सामान भी भेंट किया। जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज मैनपुरी जनपद के नुमाइश पंडाल में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 324 समुदाय के जोड़े और 21 मुस्लिम समुदाय के जोड़े भी शामिल है। कहा कि प्रशासन की मंशा के अनुसार पूरे कार्यक्रम का आयोजन प्रशासन शासन की व्यवस्था के अनुसार किया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने करी है और 400 से ज्यादा शादियां आज यहाँ हो रही है, उनमें विवाह भी है, निकाह भी है। मैं सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लाल टोपी लाल अलर्ट है, उससे बच के रहो, उससे बच के रहो। नहीं वो अलर्ट ही है, वो लगाए तो अलर्ट है, वो तो जब आते हैं लाल टोपी वाले तो खून खराब ही होता है, लाल ही लाल दिखाई देता है। मिस्टी ने बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत